हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको लुकिंग अराउंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है ईयर टू ईयर, यानी कि कान कान में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हु हैज गॉट माई ईयर्स, मेरे कान किसके पास हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो ये पिक्चर दिखाई गई है, ये चित्र दिखाया गया है, इसमें जितने भी जानवर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब के कान एक दूसरे के पास चेंज हुए हुए हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी, यह चित्र कितना अजीब है। द आर्टिस्ट हैड ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स, कलाकार ने, चित्र बनाने वाले ने सभी एनिमल्स के कान को, ईयर्स को एक दूसरे के पास चेंज कर दिया है, यानी कि उलट पुलट कर दिया है। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो, इसमें कहा गया है कि जो जिस भी एनिमल्स के ईयर्स जिसके भी पास है, वो उसके सामने सही करके, करेक्ट करके लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट में लिखा हुआ है एनिमल्स, उसके बाद लिखा हुआ है ईयर्स। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एनिमल्स, एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, और हमें किसके लिखना है, जिसके, जहाँ पे एनिमल्स के नेम दे रखे हैं उसके सामने उसका लिखना है, जिसके पास उसके ईयर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एलिफेंट, एलिफेंट के किसके पास है, माउस। फिर दे रखा है रैबिट, अब इसमें रैबिट के सामने लिखना है बच्चों जिराफ। उसके बाद फिर माउस दिया हुआ है, फिर उसके बाद लिखना है सामने डॉग। फिर दे रखा है जिराफ, जिराफ के पास सामने क्या लिखना है, फ्रंट पे एलिफेंट। इसी तरह से साइड में भी है, डॉग के सामने लिखोगे रैबिट, बफेलो के सामने लिखोगे डियर, और डियर के सामने लिखोगे बफेलो। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स, सब अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरह के कान होते हैं, अलग अलग प्रकार के कान होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, सूची में दिए गए हैं, दिए गए जानवरों में से किनके कान तुम्हें बाहर दिखाई देते हैं। इन विच एनिमल्स कैन यू नोट सी द ईयर्स, और किनके तुम कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। राइट इन द टेबल बिलो, तो इसमें बोला है कि जिन एनिमल्स के ईयर्स हमें को बाहर दिखाई देते हैं, उनके अलग बॉक्स में लिखना है, और जिनके हमको नहीं दिखाई देते हैं तो उनको अलग बॉक्स में लिखना है। ये एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें सबको अलग अलग करके लिखना है। तो फर्स्ट वाले में दे रखा है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, फर्स्ट वाले में आएगा बच्चों जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, फर्स्ट वाले में हम उसके नेम लिखेंगे। सेकंड वाले में क्या है, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, सेकंड वाले में हमें जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते हैं, ईयर्स बाहर दिखाई नहीं देते हैं, सेकंड वाले में हम उनके नेम लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा बच्चों, डियर, पिग, जिराफ, टाइगर, बफेलो, कैट, एलिफेंट, इन सब के बच्चों हमें कान बाहर, ईयर्स बाहर दिखाई देते हैं। सेकंड वाले में फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, स्नेक, क्रो, लिजार्ड, इनके सेकंड वाले में बच्चों हमें इनके ईयर्स बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, तुम्हें क्या लगता है,
जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, क्या उनके कान होते हैं या नहीं होते हैं? लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखना है या पता करना है। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, पिक्चर्स में जो एनिमल्स दे रखे हैं उनके नाम से उनको पहचान करनी है। कैन यू सी देयर ईयर्स, क्या तुम्हें इनके कान दिखाई दे रहे हैं? दे ऑल हैव ईयर्स इवन थो वी कैन नॉट सी देम, वास्तव में इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमको बाहर दिखाई नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। इसमें पूछा गया है ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके नाम लिखने हैं। सम एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी आर अ स्नेक, पिगोन, क्रोकोडाइल एंड फिश। तो बच्चों इसमें हमने फोर के लिखे हैं, अ स्नेक, पिगानो, क्रोकोडाइल और फिश। अब अगला क्वेश्चन है रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। एन एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैंस, इसमें पूछा है बच्चों फर्स्ट वाले में कि फैन जैसे कान ईयर किसके होते हैं। तो सबसे बड़े बड़े ईयर किसके होते हैं बच्चों? एलिफेंट के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एलिफेंट। उसके बाद है एन एनिमल्स विद ईयर्स लाइक क्लेविज, पत्ते जैसे कान किसके होते हैं? डियर के। तो हमने इसमें क्या लिख दिया? डियर। एन एनिमल विद ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, सर के ऊपर किसके कान होते हैं? रैबिट के। तो इसमें क्या आ जाएगा? रैबिट। एन एनिमल्स विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, सर के दोनों तरफ किसके कान होते हैं? टाइगर्स, बफेलो, काऊ। तो हमने इसमें क्या लिखा है बच्चों? टाइगर। यू नाउ वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हेयर, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं देते हैं। वी कैन नॉट सी ए बर्ड्स ईयर्स, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। ए बर्ड हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, लेकिन उनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फर्दर्स, अधिकतर उनके कान पंखों में छिपे रहते हैं। दे हेल्प द बर्ड ऑफ एयर, इन्हीं छेदों की मदद से वह उन पक्षियों की सुनने में सहायता करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी 10 होल्स ऑन लिजार्ड हेड, क्या तुम ध्यान से देखोगे? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। एक क्रोकोडाइल आल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम ईजिली, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन वो हमें आसानी से दिखाई
नहीं देते हैं। अब है अगला, हूज स्किन, किसकी त्वचा। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की है जिनके कान, उनको हमने किससे पहचान करी है, उनके हमने कान से, ईयर से। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। तो अब हम कुछ एनिमल्स की, कुछ जानवरों की पहचान कैसे करेंगे बच्चों, उसकी स्किन से, उसकी त्वचा से। अब अगला क्वेश्चन है, मैच द एनिमल्स ऑन हेयर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन्स, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स ऑफ इच एनिमल्स। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, तो आपको उनको सही करके उनकी स्किन से उनको मैच करना है। मैंने इसमें मैच किया हुआ है, तो आपको इसी तरह से इसमें ऊपर इसकी स्किन को देखकर नाम से, तो उसको ऐसे मैच करना है। उसके बाद द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। कुछ जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एनिमल्स विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल काट दिए गए हों या हटा दिए गए हों। इमेजिंग हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। इमेजिंग करो, सोचो अगर हम उनकी खाल से, उनकी त्वचा से बालों को हटा दें तो जानवर कैसे दिखाई देंगे। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। तो इस तरह से हमें इस पैटर्न्स को पूरा करना है। यू अगला क्वेश्चन है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ जानवरों के एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं जो हमें बॉक्स में फिलअप करने हैं। फर्स्ट बॉक्स है, इसमें फोर बॉक्स दे दिए हुए हैं, तो फोर बॉक्स में हमको उनके उन्हें अलग अलग लिखना है। ईयर्स कैन बी सीन, फर्स्ट बॉक्स में आएगा जिनके कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, उन सब के नेम आ जाएंगे। सेकंड में हैज हेयर ऑन स्किन, जिनकी खाल पर, स्किन पर बाल हों। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, थर्ड में आएगा उन एनिमल्स के नाम आएंगे जिनके कान हमको, ईयर्स हमको बाहर दिखाई नहीं देते हैं। हैज फर्दर ऑन स्किन, फोर्थ में आएगा जिनके त्वचा पर पंख होते हैं। तो फर्स्ट वाले में कौन कौन से आएंगे, फॉक्स, एलिफेंट, पिग, कैट, बफेलो, कैमल, काउ, माउस। सेकंड में फॉक्स, पिग, माउस, कैट, कैमल, काउ, बफेलो, एलिफेंट। थर्ड में फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिगोन, डक। फोर्थ में आएगा हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिगोन, डक। तो इस तरह से आपको इनको फिलअप करना है। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। इसमें तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में रखा है या लिखा है। फ्रॉम ए डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑफ ऑन देयर स्किन। दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी द हेयर। क्या खाल पर बाल दिखाई दिए हैं।
If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? Do you know that an elephant also has hair on the on its skin? अगर तुम्हें हाथी मिल जाए तो क्या तुम उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत रखते हो, उसको टच करने की हिम्मत रखते हो? जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में बताना है। Do you know that an elephant also has hair on the on its skin? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? अब अगला क्वेश्चन है, Can you tell which of animals mentioned in the list lay egg? पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बुक्स। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हमें कौन से बॉक्स में लिखने हैं? ग्रीन बॉक्स में। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ ऑफ बेबीज। बच्चे देने वाले जानवर कौन से हैं? Write their name in the red box. तो उनके नाम हमें red box में लिखने हैं। तो बच्चों, red box में babies देने वाले के नाम लिखने हैं। तो सबसे लिखते हैं, पहले fox, mouse, elephant, cat, camel, lizard, buffalo, pig and cow. अब second box में लिखना है egg वाले animals के name, फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लिजार्ड, पिगोन, डक। तो इस तरह से आपको इसको भी कंप्लीट करना है। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्राइवेसी पेज। इसने कहा है कि अब तुम्हें फिर से हरे बॉक्स में लिखे गए फिर से टेबल को में लिखे गए इस नेम को ढूंढना है। ड्रॉ लाइन्स अंडर द नेम ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स में लिखे हैं उनको पीछे देखकर, पीछे वाली टेबल में देखकर उसके नीचे अंडरलाइन खींचनी है। पुट ए सर्किल अराउंड द नेम ऑफ द दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। फिर इसने बोला है कि रेड बॉक्स में जो नेम्स लिखे हैं उन पे पीछे वाले टेबल्स में देखकर उन पे सर्कल बनाना है। सो व्हाट डिड यू नोट। तो तुमने क्या देखा, क्या नोट किया? दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। और वे बच्चे देते हैं। दोज एनिमल्स दैट नॉट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। और जिनके कान बाहर दिखाई, बॉडी पर, शरीर पर बाहर दिखाई नहीं देते हैं, दीज एनिमल्स ले एग्स। वे एनिमल्स, वे जानवर क्या देते हैं? एग्स।
अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। इसमें लिखना है, बताना है कि क्या तुमने अपने घर में या आसपास या स्कूल जाते के आसपास कोई ऐसे जानवर को देखा है जिनसे बच्चे जिसने बच्चे दिए हों। अगर आपको लगता है कि हाँ है तो आपको अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर कैप्ट ए पेट, डज एनी वन यू नाउ कीप ए पेट, क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है, तो उसके किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें पता करनी है, उनको लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, किसी एक पालतू जानवर के बारे में उसके बारे में लिखना है। अब है अगला क्वेश्चन, विच एनिमल इज इट, वह कौन सा जानवर है, डज इट हैव ए नेम। इसमें लिखना है, यस आई हैव सीन सम एनिमल्स इन माई एरिया दैट हैव स्मॉल एनिमल्स लाइक डॉग कैट्स रैट्स एक्सेट्रा। तो इसमें हमने लिखा है डॉग्स कैट्स रैट्स और एक्सेट्रा इत्यादि हो सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, डज इट हैव ए नेम व्हाट इज इट, क्या उसका कोई नाम है, उसका नाम क्या है वो लिखना है। यस दे हैव नेम वी कॉल देम टॉमी एंड टुटू। तो उस डॉग का क्या नाम है, एनिमल्स का क्या नाम है, टॉमी एंड टुटू। फिर अगला है, हु गिव इट इज इट दिस नेम, उस जानवर का नाम किसने रखा। तो इसमें आ जाएगा वी गिव देम दिस नेम। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, अपनी नोटबुक में सभी के आंसर लिखने हैं। उसके बाद है, व्हाट डज इट लाइक टू ईट, उसको खाने में क्या क्या पसंद है उसके बारे में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स ए डे इज इट गिव फूड, उसे आप एक दिन में कितनी बार खाना देते हो। तो इसमें आ जाएगा फोर डे, फोर टाइम ए डे, एक दिन में हम कितनी बार खाना देते हैं, फोर बार। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, उसके सोने का समय क्या है, वह कितनी देर सोता है। तो इसमें लिखना है 5 to 6 hours, तो वह एक कितने घंटे सोता है, 5 से 6 घंटे सोता है। और रात में 8 से 10 घंटे। उसके बाद, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स, हाउ, क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, और रखा जाता है तो कैसे रखते हो। इसमें आएगा, वी नीड टू वॉश एंड क्लीन देम, हम उसको रेगुलरली नहलाते हैं, उसको साफ रखते हैं, और जहाँ पे जिस जगह पे वो रहता है उसको भी हम पूरी तरह से क्लीन रखते हैं प्रॉपरली तरीके से। डज इट गेट हंग्री व्हेन, हाउ डू यू नाउ इट इज हंग्री, क्या उसे गुस्सा आता है, एंग्री। डज इट द एंग्री
When, how do you know it angry? क्या उसे गुस्सा आता है? कब आता है? आपको कैसे पता चलता है कि उसको गुस्सा आ रहा है? तो इस तरह से आपको इन सभी के आंसर कंप्लीट करने हैं बुक में भी और अपनी नोटबुक में भी। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। आपको इसकी एक्सरसाइज को अपनी बुक में भी फिलअप करना है और अपनी नोटबुक में भी फिलअप करना है। प्यारे बच्चों, लास्ट के क्वेश्चन में करना है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ दिस एनिमल्स एंड कलर इट, गिव इट ए नेम ऑफ योर वन चूज। इसमें आपको अपनी पसंद का कोई भी एक एनिमल्स की पिक्चर बनानी है, कलर करना है उसमें, बुक में भी करना है, बुक में भी बनानी है, ड्रॉ करनी है और अपनी नोटबुक में भी, और उसी एनिमल्स का नाम अपनी पसंद से आपको लिखना है।